हेलो गाइस, आज जीएस पेपर 2 का एग्ज़ाम हो गया है और इसमें एक पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस ये सब इसमें है, इसके सिलेबस में। और आप देख सकते हैं कि लोक आयुक्ता से क्वेश्चन आया हुआ था और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो कि एक करंट से रिलेटेड टॉपिक है वो पूछा गया था। फिर एक जो AGMUT कैडर होता है जो कि J&K में अभी रिसेंटली अप्लाई हुआ है, जब से UT बनी है J&K, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। फिर एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रिव्यू क्या करना नेसेसरी है या ज़रूरी है, उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू से क्वेश्चन आया हुआ था। फिर एक सिविल सर्विसेज, जुडिशरी और मीडिया पे, और फिर सोशल जस्टिस से रिलेटेड। फिर 7th क्वेश्चन आया हुआ था डिसरप्शन ऑफ पार्लियामेंट। फिर मिशन कर्मयोगी भी पूछा हुआ था। पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसका क्या क्या उससे क्या इम्पैक्ट होगा वो पूछा हुआ था। फिर रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो कि अभी हॉट टॉपिक है। फिर उसके बाद सिविक नेशनलिज्म के बारे में, और फिर IES सर्विसेज रूल, फिर साइबर टेररिज्म, म्यांमार और इंडिया, ब्रह्मोस मिसाइल, इंडिया एंड ओमान, और फिर डीलिमिटेशन कमीशन से भी क्वेश्चन आया हुआ था। COVID-19, सेंट्रल इंडिया सेंट्रल एशिया समिट, और इंडिया और इज़राइल। तो गाइस, ये आज का पेपर था और मैं ऐसे ही सारे पेपर अपलोड करता रहूँगा। अभी मेरा पेपर ख़त्म हुआ है और काफ़ी लेंथी होता है ये पेपर, और जो भी मेंस लिखने के बारे में सोच रहे हैं या अगले मेंस में अपेयर होने के बारे में सोच रहे हैं, प्रीलिम्स देने के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा लिखने का अपना स्टैमिना बना लो, क्योंकि 3 घंटे में बहुत ज़्यादा लिखना होता है, हाथ थक जाते हैं। आप एक तरह से समझ सकते हैं कि हाथ टूट जाते हैं, लिखते लिखते बहुत थकान हो जाती है, लेकिन आपको अपना काम रखना पड़ता है और प्रेशर को हावी नहीं होने देना होता है। तो यही है ये एग्ज़ाम जो आपके ट्रेड्स देख रहा है। तो फ़िलहाल के लिए यही अपडेट है। थैंक यू।